सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। वागड़ के विधायक पहुंच रहे हैं 8 सिविल लाइंस। विधायक अर्जुन बामनिया, रमीला खड़िया और नानालाम निनामा पहुंच रहे हैं 8 सिविल लाइंस। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले अशोक गहलोत से चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता दिनेश खोजनिया भी साथ मौजूद है और जो उपस्थिति है, जो मुलाकात है, वो कई इशारे भी कर रही है। हमारे साथ सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ चुके हैं। दिनेश, ये मुलाकात कहीं ना कहीं क्या उन भावी अप्रत्याशित स्थितियों से पहले एक रणनीति को बनाने को लेकर हो रही है? जिस तरह का वाक्य आज देखा, उसको लेकर के पहले ही अब वागड़ के उस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी विधायकों को एकजुट करने की कोशिश, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल, वागड़ अंचल से एक कदावर नेता महेंद्र जीत सिंह मालवीय, जो दो बार मंत्री रहे और कई दफा विधायक रहे और सांसद भी रहे, वो आज बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, तो एक बड़ा झटका यकीनन कांग्रेस पार्टी को लग रहा है। तो इसमें डैमेज कंट्रोल की कवायद है वो अब शुरू हो चुकी है। बांसवाड़ा से 4 विधायक चुनकर आए थे तो एक विधायक का आज टिकट गिर रहा है, तो ऐसे में बाकी जो अन्य विधायक है, रमीला खड़िया है, अर्जुन बामनिया है और नाना लाल निनामा, ये थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर पहुंचे हैं और दिनेश खोडनिया, जो काफी रणनीतिकार है, वागड़ के सीएम, पूर्व सीएम गहलोत के बेहद करीबी है, वो चारों फिलहाल अशोक गहलोत से चर्चा कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सिर पर है। तो अब मालवीय को कह सकते हैं कि औपचारिकता बची है विधिवत उनके भाजपा में जाने की, तो किस तरह उसकी भरपाई की जाए, किस तरह जो बाप पार्टी है उससे गठबंधन की बातें चल रही है और उस सीट को जीता जाए, आदिवासी वोटों में एक मैसेज दिया जाए, इन तमाम रणनीति और विकल्प पर यहाँ चर्चा हो रही है। और मुलाकात के बाद एक सामूहिक बयान भी इन विधायकों की तरफ से जारी किया जा सकता है और मालवीय के पार्टी छोड़ने से काफी कह सकते हैं कि खासतौर से उदयपुर संभाग में जो ट्राइबल एरिया है, गुजरात, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इनमें कांग्रेस पार्टी को किस तरह मजबूती से खड़ा किया जाए, कार्यकर्ताओं में निराशा नहीं हो, तो इन तमाम रणनीतियों पर विचार हो रहा है और अभी सारी चीजें ये विधायक उसको बता रहे हैं कि किस तरह क्या बात हुई, क्यों वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और अब इसकी भरपाई कैसी की जाए, क्या बाप पार्टी से गठबंधन किया जा सकता है, नहीं किया जाए तो किसको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि सामने आ रहा है कि महेंद्र जीत सिंह मालवीय को बीजेपी एमपी का चुनाव लड़वा सकती है, तो उनको किस तरह करारा जवाब चुनाव में दिया जाए, संभवतः उसी रणनीति और विकल्प पर यहाँ डिस्कशन जारी है। लेकिन दिनेश, ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जहां पर विपक्ष की मजबूती का हम जिक्र करते हैं और उसके बाद में इस तरह की बातें हैं, और महेंद्रजीत मालवीय जो कि अब जब सरकार थी कांग्रेस की, वो लगातार खड़े रहे, राहुल गांधी का दौरा जब जब हुआ, अब हमें अग्रणी पंक्ति में वो दिखाई दिए, उसके बाद भी उपेक्षा का जिक्र वो करते हैं, और साथ ही जो साथी विधायक है, अब क्या ये बताने की जरूरत उन्हें पड़ेगी, या फिर आपको लगता है कि समयावधि उस समय होगी, बार बार अपनी जो परेशानियां उनका जिक्र किया होगा, या फिर चुनावी एक दाव इसे समझा जा सकता है कि चलिए अब कहना है तो कह दिया? जी देखिए, नो डाउट माजवे एक पार्टी के वहां कदावर नेता थे, जनाधार वाले वो नेता थे और उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। टिकट बीजेपी ने चुनाव से पहले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जाया है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को डैमेज कंट्रोल करना होगा, भरपाई करनी होगी, क्योंकि बीजेपी का मकसद है चुनाव से पहले कांग्रेस को एक करारा जवाब देना, उनको डैमेज करना, जिसमें वो कामयाब होती दिखती है। तो अब कांग्रेस किस तरह एक बैकअप प्लान तैयार करे, किस तरह उसकी कह सकते हैं कि भरपाई की जाए, तो बड़े दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाला है एक रणनीति के तहत उदयपुर डिवीजन के इन विधायकों को। बिल्कुल दिनेश, और इस मुलाकात का सीधा सीधा जो असर है वो डैमेज कंट्रोल, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उससे जोड़कर नजर देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।